मेरे मध्य प्रदेश वासियों, भाजपा वाले अब आपको गुमराह जरूर करेंगे। ये 15 साल पुरानी बात करेंगे, आप इनके 15 सालों का हिसाब मांगना। ये फिर से युवाओं को लाखों नौकरियों के झूठे वादे करेंगे। आप प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी पर सवाल करना। ये आपकी दुकान पर वोट मांगने जरूर आएंगे। आप इनसे महंगाई, GST और नोटबंदी पर बात करना। ये बहन बेटियों के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं करेंगे। आप प्रदेश में बढ़ते महिला अत्याचार पर विचार करना। ये किसान पुत्र होने का नाटक भी करेंगे। आप इन्हें मंदसौर के किसानों की याद दिलाना। ये भाजपा वाले अपनी पुरानी हरकतों से आपको बांटने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन आप एकजुट होकर अपने वोट की ताकत से इनको करारा जवाब जरूर देना। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। माँ कैसी है तू? माँ तू कैसा है? साल भर बाद देख रही हूँ तुझे। माँ मैं भी तेरे साथ रहना चाहता हूँ, तेरी सेवा करना चाहता हूँ, पर इसमें मेरी क्या गलती? मध्य प्रदेश में नौकरियाँ ही नहीं है। इसमें तेरी कोई गलती नहीं है बेटा, गलती तो हम सब की है जिसने 15 साल से इस गलत सरकार को चुन रखा है, जिसने बच्चों तक को माँ बाप से दूर कर दिया। हर परिवार की यही पीड़ा है बेटा। सही बात है, गलती सुधारने का वक्त आया है। अब युवाओं को भी आगे आकर बदलाव लाने का वक्त आया है। बदलाव बदलाव कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। दीदी अब के चुनाव में भी हमको ही वोट देने आना। अरे भैया ये क्या 15 साल का हिसाब लेकर आए हो? 15 साल में पूरा प्रदेश बर्बाद कर दिया तुम लोगों ने। महंगाई से घर चलाना मुश्किल हो गया है। चलो तुम अंदर जाओ। आए दिन प्रदेश में बलात्कार की खबरें, अब तो डर लगने लगा है। पढ़े लिखे बेरोजगार घूम रहे हैं तुम्हारे भाजपा के राज में। सबको पता है भाजपा का असली चेहरा। अरे दूसरों की कमियां निकालना छोड़ो, अपने 15 साल का हिसाब दो मुझे। चलो जाओ यहाँ से। और सुनो, 15 साल में कुछ काम वाम तो किया नहीं तुम लोगों ने, अब तुम्हें आइडिया चाहिए ना? मैं देती हूँ आइडिया। भाजपा हटाओ, मध्य प्रदेश बचाओ। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने पहली बार 2 घोषणा पत्र जारी किए हैं। पहला समृद्ध मध्य प्रदेश दृष्टि पत्र और दूसरा नारी शक्ति संकल्प पत्र। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने इन्हें जारी करते हुए कहा कि हमारी सरकार हर साल 10 लाख रोजगार के अवसर देगी। वहीं हम छोटे किसानों के खातों में भी उनकी खेती के रकबे के हिसाब से बोनस की राशि ट्रांसफर करेंगे। इसका फायदा उन 17 लाख किसानों को मिलेगा जिन्हें कृषि समृद्धि या भावांतर योजना का लाभ नहीं मिल पाता है। चुनाव से ठीक 11 दिन पहले बीजेपी ने भोपाल में अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, धर्मेंद्र प्रधान इस मौके पर मौजूद थे। बीजेपी का घोषणा पत्र 2 भागों में था, पहला समृद्ध मध्य प्रदेश दृष्टि पत्र और दूसरा नारी शक्ति संकल्प पत्र। इस वक्त हम मौजूद है बीजेपी कार्यालय में, जहां घोषणा पत्र बीजेपी का जारी हो गया है। देखा जाए तो बीजेपी के घोषणा पत्र में महिलाओं के लिए अलग से भी घोषणा पत्र जारी किया गया, रोजगार की व्यवस्था की बात कही गई है। सबसे खास बात यह रही कि सामान्य वर्ग के जो छात्र हैं उनके लिए PhD तक की व्यवस्था की गई है। नारी की सुरक्षा को लेकर के अस्पताल में 5 लाख रुपए का भी प्रावधान किया गया, अगर कोई बीमार पड़ता है तो 5 लाख तक का प्रावधान किया गया है। नए अस्पताल भी खोले जाएंगे। वहीं किसानों के लिए भी घोषणा पत्र में बताया गया है। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि जनता इसमें क्या रिएक्शन लेती है, इस घोषणा पत्र में क्या जनता का मत रहता है। कैमरामैन तरुण यादव के साथ सत्यम शर्मा, दखल न्यूज भोपाल। भाजपा ने इस घोषणा पत्र के लिए लोगों से सुझाव मांगे थे। पार्टी को 30,000 से ज्यादा सुझाव मिले, इनमें से 700 सुझावों को घोषणा पत्र में शामिल किया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण बात दृष्टि पत्र की है कि छोटा किसान, जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग सब किसान आते हैं, वो इससे वंचित रहते थे।
उनको हम लाभान्वित करने का काम करेंगे। सचमुच में उनके साथ बड़ा न्याय होगा। हमने इसके अतिरिक्त किसानों के लिए जो योजनाएं चालू रखी है वो योजना चालू रहेगी। मूल स्थलीकरण कोष पहले 500 करोड़ रुपए से हमने बनाया था, उसको बढ़ाकर हम 2000 करोड़ इसलिए कर रहे हैं कि लहसुन प्याज जैसी फसलों के, मिर्ची भी है उसमें, केला संतरा धनिया ऐसी फसलें भी है, इनके दाम अगर गिरे तो उस मूल स्थलीकरण कोष के माध्यम से हम उसको ठीक दाम दे सकें। ये प्रतिबद्धता है भारतीय जनता पार्टी की किसानों को लाभकारी मूल्य देना, कृषि आय दुगना करने के हर संभव हम उपाय करेंगे और ये लाभकारी दाम उसको हम देते रहेंगे। आज देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो एक प्रकार से पॉलिसी पैरालिसिस, नीति निर्माण के कार्य को लकवा, ये विश्व कहावत यूज करता था हिंदुस्तान के लिए, सबसे कमजोर 5 अर्थव्यवस्थाएं, फ्रेजाइल 5, 2013 में यह शब्दावली का प्रयोग होता था। अब होता है कि विश्व की सबसे बड़ी तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था। बीजेपी ने हायर सेकेंडरी स्कूल में 75% अंक लाने और कॉलेज जाने वाली लड़कियों को मुफ्त स्कूटी देने का वादा किया। बीजेपी ने कहा, सामान्य वर्ग के गरीब छात्रों के लिए पहली कक्षा से लेकर पीएचडी तक की पढ़ाई मुफ्त रहेगी, इसमें मेडिकल और इंजीनियरिंग भी शामिल है। हर साल 10 लाख रोजगार देने और एक कारीगर यूनिवर्सिटी बनाने का वादा भी किया गया है। कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी ना, उसको कुछ नया दिखता ही नहीं है। उसको एक चश्मा भेंट करेंगे कमलनाथ जी, ज्योतिरादित्य दिग्विजय सिंह जी, अरुण यादव, कांतिलाल भूरिया सबको, कि इससे नए चश्मे से देखो, क्योंकि सत्ता के मत से उतरे नहीं है वो। अभी विपक्ष की भूमिका जानते नहीं, 15 साल में क्या किया उन्होंने। अगर हमने कुछ नहीं किया तो हम 8 में क्यों आए, हमने कुछ नहीं किया तो 13 में क्यों आए, हम कुछ नहीं करते तो 18 में, आपने क्या किया 15 साल में। शिवराज सिंह ने कहा, कई छोटे किसानों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता क्योंकि उनके पास बेचने की क्षमता सीमित होती है, कई बार वे बाजार तक नहीं पहुंचते। इसीलिए हमने दृष्टि पात्र में तय किया है कि जिस अनुपात में हम कृषि समृद्धि योजना का लाभ मंडी या समर्थन मूल्य पर बेचने वाले किसानों को देते हैं, उसी अनुपात में हम छोटे किसानों को खाते में पैसा देंगे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। दीदी, अब के चुनाव में भी हमको ही वोट देने आना। अरे भैया, ये क्या 15 साल का हिसाब लेकर आए हो? 15 साल में पूरा प्रदेश बर्बाद कर दिया तुम लोगों ने। महंगाई से घर चलाना मुश्किल हो गया है। चलो तुम अंदर जाओ। आए दिन प्रदेश में बलात्कार की खबरें, अब तो डर लगने लगा है। पढ़े लिखे बेरोजगार घूम रहे हैं तुम्हारे भाजपा के राज में। सबको पता है भाजपा का असली चेहरा। अरे दूसरों की कमियां निकालना छोड़ो, अपने 15 साल का हिसाब दो मुझे। चलो जाओ यहाँ से। और सुनो, 15 साल में कुछ काम वाम तो किया नहीं तुम लोगों ने, अब तुम्हें आइडिया चाहिए ना? मैं देती हूँ आइडिया। भाजपा हटाओ, मध्य प्रदेश बचाओ। कांग्रेस के साथ। मेरे मध्य प्रदेश वासियों, भाजपा वाले अब आपको गुमराह जरूर करेंगे, ये 15 साल पुरानी बात करेंगे। आप इनके 15 सालों का हिसाब मांगना, ये फिर से युवाओं को लाखों नौकरियों के झूठे वादे करेंगे। आप प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी पर सवाल करना, ये आपकी दुकान पर वोट मांगने जरूर आएंगे। आप इनसे महंगाई, GST और नोटबंदी पर बात करना, ये बहन बेटियों के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं करेंगे। आप प्रदेश में बढ़ते महिला अत्याचार पर विचार करना, ये किसान पुत्र होने का नाटक भी करेंगे। आप इन्हें मंदसौर के किसानों की याद दिलाना, ये भाजपा वाले अपनी पुरानी हरकतों से आपको बांटने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन आप एकजुट होकर अपने वोट की ताकत से इनको करारा जवाब जरूर देना। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। माँ, कैसी है तू? माँ, तू कैसा है?
साल भर बाद देख रही हूँ तुझे। माँ मैं भी तेरे साथ रहना चाहता हूँ, तेरी सेवा करना चाहता हूँ, पर इसमें मेरी क्या गलती? मध्य प्रदेश में नौकरियाँ ही नहीं है। इसमें तेरी कोई गलती नहीं है बेटा, गलती तो हम सब की है जिसने 15 साल से इस गलत सरकार को चुन रखा है, जिसने बच्चों तक को माँ बाप से दूर कर दिया। हर परिवार की यही पीड़ा है बेटा। सही बात है, गलती सुधारने का वक्त आया है। अब युवाओं को भी आगे आकर बदलाव लाने का वक्त आया है। बदलाव, बदलाव। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का।